अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सरन मलिक और आप देख रहे हैं एस मलिक व्यूज। नमस्ते, सत श्री अकाल और हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो का टाइटल है दारू विद डैड बाय हर्ष बनीवाल। तो इस वीडियो को देखने से पहले, अगर आप हमारी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। पर्पल पहन लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, बाद में करता। ओके ठीक है, ओके। ओ यार रज्जू, डू इट रज्जू, डू इट। यस डैडी। जो आवाज कहाँ से आ रही है? यस रज्जू, यस डैडी। बना वे, डू इट डैडी। ओनी मैन, कौन मेरे बिना गप्पा गम कर रहा है इधर? Yes, Raju, do it. I love it. Shake it, Dad. Shake it. Shake it. Shake it, Daddy. Shake it. Yes, Raju. Do it, Raju. Shake it. Shake that booty, Raju. Shake it. Shake it. Shake that. Okay, Raju. 15 minutes में running पे चलेंगे. Come down. हाँ. अरे भाई साहब क्या हाल है? आओ भाई साहब, कर लेते थोड़ा. क्या बोल रहे हो? अरे सुम्बा, नहीं नहीं आप भी करो। वैसे कुछ ज्यादा ही मॉडर्न हो गए आप हैं। मतलब सुम्बा कर रहे हो, बेटा नाम से बुला रहा है। बेटा कौन सा बेटा? ओ भाई साहब, हम लोग फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स फ्रेंड्स क्लोज फ्रेंड्स। बेटे जो होते हैं ना, बड़ी पकड़ चीज है मार्केट में। इनको अपने साथ कदम से कदम मिला के चलाना सिखाओ, तभी तो मजा आएगा। इसकी बहन की टंटराटन। अरे भाई साहब, बच्चों को बनाओ दोस्त, बड़े फायदे इनके। इनकी बहन की टंट ना दे, आप इनसे कुछ भी बनवा सकते हो। कुछ भी? मेरे बेटे को सब पता है कि मेरे पापा का खाता कहाँ खुला है, कहाँ बंद है, एवरीथिंग। अरे यार क्या बात कर रहे हो यार भाई साहब, मतलब कुछ भी बोलोगे? झूठ बोल रहा हूँ मैं, झूठ बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, कोई कोई अकाउंट में तो हम साथ में पैसा निकलवाने जाते हैं। गैप कम करना है नहीं है? पापा वो ना भैया बुला रहे, जल्दी चलो। हाँ बेटा, आ रहा हूँ, आ जाओ। मैं आ रहा हूँ, पापा आ जाओ। ओ, आज ये करेगा कुछ करने का बड़ा मन कर रहा है, सुन रही हो? बेबी डॉल सोने की। आज तो कैसे बड़ा सिंपल है जी, कुछ नहीं करना। सांडे का तेल लो, गरम करो, गोटो को करो ऊपर, गोटो के नीचे। भाई साहब, अपने बेटे से दोस्ती कैसे बढ़ाऊं? जनरेशन गैप को करो कम, उससे उसी की भाषा में बात करो। जैसे कि कोई भी मामूली सेंटेंस के आगे आप लगा दो एस फक। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल। आप मेरे को बड़े हरामी आदमी लगते हो, एग्जांपल है, उदाहरण है। ओ कदमरी, तू बड़ा हरामी है, ये नॉर्मल भाषा हो गई। अब मैं इसको कर दू मॉडर्न, कदमरी यू आर हरामी एस फक। इम्पैक्ट है ना, फक में जान थी नहीं थी, फक में वजन था। ये इम्पैक्ट डालता है चीजों में। अच्छा बस, तो रजनी, मेरा मतलब राजेंद्र जी, तो ये दोस्ती शुरू कैसे करूं? दोस्ती जैसे आपने मेरे साथ की थी। कैसे की थी? नहीं ना, पहले तुम भेजो यार, कल मैंने भेजी थी। नहीं तुम भेजो आज, जिद्दी हो तुम भी। रुको रुको, मैं भेजता हूँ। ओह नो नो नो, बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया। इसी दिन के लिए तेरे को पैदा किया ना मैंने, ऐसे क्यों भेज रहा है? एक काम करना, उसमें जेल लगा ले, कर्ली बालों को थोड़ा स्ट्रेट करके भेज, और ज्यादा मजा आएगा। नहीं नहीं, मुझे कर्ली पसंद है। पागल, कौन दी है? कौन दी? गर्लफ्रेंड थी पापा। गर्लफ्रेंड? राम दादी गर्लफ्रेंड? पापा, आज नहीं कदमड़ी, आज नहीं मारूंगा तेरे को मैं, कल मार मेरा मतलब कल पेलूंगा तुझे। आज ना खुशी का दिन है,
आज होगी पार्टी। बहुत सही पापा, बहुत सही। मम्मी दादी बाहर गई नहीं कि आपकी अय्याशा छूटने लग गई। नहीं, अभी वो राजेंद्र बुढ़ा जाएगा, मुफ्त की दारू और चिकन पेल ले। मेरी बात सुनेगा? मेरी बात आप सुनो, ये सब कुछ नहीं होगा घर में। अब बात नहीं पीनी पापा, नहीं पीनी, नहीं पीनी, नहीं पीनी, नहीं पीना। नमकीन लाता हूँ ना अभी, बैठो आप। मान गया। अपने लिए भी ले आइए ग्लास। अपने लिए क्यों? क्यों पुत दिया हुंदियां ने यारियां, आजा बापू पाए पंगड़े। क्यों पुत दिया हुंदियां ने यारियां, आजा बापू पाए पंगड़े। जय मेहरू बाबा की। मजा आया। हाँ मम्मी। कुंदन तेरा बाप कहाँ है? पापा। पापा तो मम्मी बाहर गए ना, वो रात तक ही आएंगे। और तू कहाँ है? मैं मम्मी विवेक के घर आ गया था, विवेक के घर। मैं भी रात तक ही आऊंगा। अब चल ठीक है, तू चला गया है तो आराम से आ जाइयो, कोई नहीं बेटा। ठीक ठीक है मम्मी, बाय बाय। तेरी माँ ना ये चैन से दारू भी नहीं पीने देगी। बादाम ले लूँ पापा? ले ले बेटा, खूब बादाम खा। अगले हफ्ते जब तेरा रिजल्ट आएगा ना, तो सारा तेल निकाल दूंगा। पिछली बार तो तेरी दादी ने बचा लिया था तेरे को। जिस हिसाब से तेरे को मास्टर ने नंबर दिए थे ना, 16 चाटे पड़ने चाहिए थे। सही कह रहे हो पापा, चलते हैं उसके घर, साले को मार के आते हैं अभी। बोले 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 बोले। तेरी हराम जादे। लमड़ी आज नहीं, जनरेशन गैप भी तो कम करना है नहीं? ऐसे थोड़ी होगा कम। क्यों? अरे हमारी जनरेशन ना, मतलब ये थोड़ी करती है एग्जाम और रिजल्ट की बातें। अपन लोग बहुत सॉर्टेड है यार, बहुत चिल है। कुंदन बेटे, अपने बाप को भी थोड़ा चिल्ड बना दे यार, हैं? थोड़ा मुझे भी कूल कर दे। तो सबसे पहले एक्ट लाइक अ फ्रेंड, मेरे दोस्त बनो। स्टेप वन, मुझे कुंदन नहीं कुछ और बुलाऊ। कुछ और बुलाऊ? ओ यार तू ही बता दे क्या बुलाऊ। कॉल मी कंट, KUND कंट। अच्छा बहन के लिए। ठीक है, और अपना नाम भी बदलो। मेरे नाम में क्या दिक्कत है भाई? इतना सेक्सी तो नाम है मेरा, कदम बड़ी। अरे इसमें अच्छा क्या है, कदम बड़ी? इंद्रदेव की अप्सरा हो क्या यार? चिल्ड बनना है कि नहीं? चिल्ड बनना है। सॉरी कंड भाई, सॉरी पैल। बायली तो राउंड 20 साल से। नहीं यार, चिल्ड लोग भाई नहीं बोलते, पैल बोलते हैं। सो कॉल मी पैल। अच्छा, हाउ आर यू कंड पैल? Myself, केडी। केडी। That's my boy, केडी। Yeah, 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 yeah. Now you are chilled as fuck. चल पार्टी करते हैं इसी बात पे। Start, केडे। मजे आ गए नहीं केडी? यह कंड पैल, यह केडी। अच्छा कंड ब्रो, अब तो जैसे हम फ्रेंड्स हैं, तो एक सवाल पूछू? श्योर केडी। तो जैसे तेरी बंदी है जो केडी मैनर्स, बंदी क्या होता है? जेल में बंद कर रखा है क्या मैंने उसे? गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड बोलो यार। सॉरी कंड ब्रो, सॉरी। ज्यादा हो रहा है। गर्लफ्रेंड। तो जैसे तेरी गर्लफ्रेंड है, मतलब मेरी भाभी, भाई बोल सकता हूँ ना? हाँ बोल। जैसे मेरी भाभी है, तो तुमने कभी करा है? हाँ, हमने तो बहुत डिस्को में बहुत डांस किया है यार। क्या तुम बहुत? अरे तुझे नहीं, डिस्को में डांस नहीं यार, कभी किया है? किया है कभी? तमंचे में डिस्को, इस पे भी नाचे है। उसको बहुत पसंद है यार ये गाना। मैं यार कैसे समझाऊं उसको? अरे कभी ये किया है? किया है? अरे यार केडी, मतलब
यही पूछना था तो साफ साफ पूछ लेते ना। हाँ, मैंने और मेरी बंदी ने सिंगम वाले गाने पे भी डांस किया है। डिस्को से बाहर आएगा करोल बाग के मिथुन। अरे मतलब सब कुछ ही किया यार, बस सेक्स नहीं किया। राम जादे क्या हुआ ब्रो? कुछ नहीं ब्रो बच गया। क्यों नहीं किया तुमने ये सेक्स? क्यों नहीं किया? अरे यार केडी पूछा था मैंने उससे, पता नहीं क्यों गुस्सा हो गई, फिर उसके बाद बहुत मुश्किल से मानी, फिर मैंने पूछा ही नहीं उससे। अच्छा तो कैसे पूछा था? देगी आगे बस गंड ब्रो, थोड़ी देर के लिए कदमड़ी बन जाऊं चलेगा। राम जादे ना कटवा रहे कितने मेरी बार देगी क्या होता है, मेरे से थोड़ी देगी, मेरे से ना एक लक्ष्य नहीं मिलता तेरा, पूरा अपनी माँ पे गया, उसको भी लीग मैच छोड़ के सीधा फाइनल खेलना होता था। मतलब अरे मतलब इधर सब अरे नहीं मारा बात सुनना बेटा, इन सब चीजों में है ना थोड़ा इंसान को केयरफुल चलना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं कि देगी क्या देगी, ऐसे नहीं एकदम से, पहले लड़की को थोड़ा कंफर्टेबल करो, उससे उसकी मर्जी पूछो, हाँ है तो करो नहीं है तो मत करो, ये नहीं देगी ऐसा थोड़ी होता है, देगी कुछ भी गलत है यार। पापा आपको तो बड़ी खबर है इन चीजों की, मैं तो आपको मेरा मतलब छुपे रुस्तम निकले आप तो। अबे कुछ तो बात होगी मेरे में, तभी तो तेरा बाप हूँ, बैठा कर मेरे साथ तेरे को धीरे धीरे सब सिखा दूंगा। मतलब केटी अब हम फ्रेंड्स है ना, बेस्ट फ्रेंड्स, तेरा यार हूँ मैं। अच्छा बेस्ट फ्रेंड एक पर्सनल सवाल पूछूं? एनीथिंग सुहागरात में क्या होता है, मतलब ऑकवर्डनेस होती है या फिर? अबे पांच मिनट की होती है ऑकवर्डनेस, एक बार वो निकल जाए ना फिर तो आवाजें निकलती है। आवाजें? कैसी आवाजें? प्यार की आवाजें, कुआ वाली थोड़ी थोड़ी प्यार की आवाजें निकलती है यार, क्या रहता है तुम्हारी निकली थी प्यार की आवाजें? मैं मेरा था छी यार केडी, इतना आगे नहीं मतलब थोड़ा पीछे आओ, और क्या बातें हुई फिर क्या हुआ आगे ये बताओ। वेल गुंड ब्रो, एज यू सी शी केम इन माय रूम, और जैसे ही वो आई ना मेरा हो गया इतनी जल्दी। केडी कोई बीमारी कमजोरी को? आराम दादे प्यार प्यार हो गया। सॉरी सॉरी पहल देन 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 क्या हुआ देन? यार बहुत ज्यादा अगर बात करने निकल जाते ना तो पूरी रात निकल जाती,
तो इसलिए हमने सीधा फाइनल मैच ही खेल लिया। हाँ यार केडी सिगरेट हर्बल है, माय गर्लफ्रेंड गिव इट टू मी स्ट्रेट फ्रॉम अमेरिका। नो थैंक्स ब्रो, आई डोंट स्मोक। मेरा लड़का करता है पर गंड कोई दिक्कत नहीं है। चूतड़ा पे जब डंडे बनेंगे ना तब सारी सिगरेट छोड़ देगा। बहुत आराम ज्यादा है। क्या किस्मत है ना केडी, तू अपने बच्चे से परेशान है, मैं अपने मक्खी चूस बाप से परेशान हूँ। स्कूटी मांगी थी फकीर से, साइकिल दिला दी, वो भी पिंक कलर। इकलौता ऐसा चिरांद आदमी है जिसे भिखारी भी भीख दे के जाता है। फ्रेंड्स जनरेशन गैप कम करना है ना। वैसे केडी शादी से पहले कोई गर्लफ्रेंड थी तुम्हारी? पहले? अबे ये पूछ शादी के बाद कितनी गर्लफ्रेंड थी। दोस्त है तू मेरा, फ्रेंड है इसलिए बता रहा हूँ। बनाया सबको नहीं बता। शादी के बाद और तेरी गर्लफ्रेंड? हाँ केडी नशे हुए हैं पर इतना भी नहीं कि कुछ भी मान लू। अबे तू भाई को वेलकम ले रहा है, कैसी बात कर रहा है यार। मैं हूँ शिकारी कुंडू खाली, मेरा बार नहीं जाता, मुझको ना पहचाने क्यों। तेरे घर अखबार नहीं आता? नहीं आता ना, यही तो दिक्कत है, नहीं आता। जब अखबार वाला पैसे मांगने आता है ना तो मेरा बाप कहता है माचुदा और भगा देता है उसको। तो पूरे कॉलोनी में छोड़ के बस मेरे घर में अखबार नहीं आता। अबे यार कंड थोड़ा मॉडर्न बन, इंटरनेट पे न्यूज़ देखा कर। देखो किसी ना किसी पन्ने पे ना मेरी आयाशों के थप्पे लगे होंगे। केडी बस रुक जा, यही थम जा, इतना मत फेंक। ठीक है हो गया। तू बहन जो भाई पे शक कर रहा है? अभी रुक बहन, अभी फोन करके ना बंदिया बुलाता, बता कितनी बंदी चाहिए। एक कॉल में 200 बंदी आ जाएंगी बंदिया। अच्छा केडी सुन ना, मैं भी बुला लूंगा। मार गए तेरी आराम जाते दोस्त। फ्रेंड्स अब तुम खुद बताओ हम दोस्त हैं कि नहीं। हाँ भाई दोस्त हैं, कर ली दोस्ती में। डन समझो केडी। और आने से पहले ना गले के बाल छील लियो, नहीं तो वो मुंह में आ जाते हैं। पोकेमोन वाली पहन के ही हो, बहुत दिन से मैंने पिकाचू नहीं पकड़ा। कुंदन नोट्स बोलते हैं क्या? कुंदन अंधा है क्या? सामने तेरा बाप खड़ा है। अबे कौन बाप, वो तो छुट्टी पे है। ये तो मेरा फ्रेंड है केडी, उसको हमारे बारे में सब पता है। क्यों केडी, और तेरी गर्लफ्रेंड कहाँ है? कद्दू मैं आ गई। रिप्रोडक्टिव वाला चैप्टर खुला हुआ था पूरा का पूरा है। गेम ऑफ थ्रोन्स
अपने बाप को, खत्म हो जाएगा यही मेरे हाथों। तूने अपने बाप को देखा है? और खुद की बीवी को देख ले, मेरे पति से मुंह मार दिया। पेट देखा अपने तूने? तो यही पेट फेंक के मारूंगा, आजमरी हो जाएगी एक में। अपने पति को देख, मेरे पे भी लाइन मारता है वो। हाँ, मैं लाइन मारता हूँ। ये मेरे को खुद कहती है सेंड न्यूड, मेरे को भेजती मैसेज, ये मैसेज लाइन मारूंगा, चला लेगा इसकी। तुझसे यही उम्मीद थी कदमबड़ी, तेरे को तो मैं बाद में देखूंगी। हाँ जी, मेरे में क्या कमी थी, किस चीज की कमी थी मेरे में? अब तू निकल पहले यहाँ से, मग्गे शक्ल की निकल। जूता मारूंगी उठा के तेरे सर पे मैं। सो गाइस वीडियो देखी दारू विद डैड, क्या ज़बरदस्त वीडियो थी। हर्ष बनीवाल अच्छी वीडियो बनाते हैं और मुझे इनकी वीडियोस बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं, इसलिए कि स्टोरी बेस होती हैं और कोई ना कोई इसमें मैसेज होता है आपके लिए। ये वीडियो दो ख़ानदान जो नेबर थे उनके दरमियान थी और इतना ज़्यादा प्यार होगा दो ख़ानदानों में, ये आइडिया नहीं था कसम से। जो टाइटल था वीडियो का वो यही था कि दारू विद डैड, तो मैं यही समझा था कि चलो यार बापू के साथ दारू पियेंगे, दोस्त बन जाएंगे और ज़बरदस्त। मगर इसीलिए कहते हैं ना कि कभी भी अपने रिश्तेदार या अपने बड़ों के साथ दारू ना पियो, सारे राज खुल जाएंगे। और वही हुआ, जब छत पर वो थे, अपने दोस्त से पूछ रहे थे कि किस तरह से जनरेशन गैप ख़त्म करना है, तो उन्होंने बताया कि चिल माहौल में रहना, अपने जो बेटे हैं या बच्चे हैं उनके साथ अच्छे माहौल में रहना है। उसका फ़ायदा तो होता है मगर नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कि फ़ायदा ये होता है कि आप दोस्त तो बन जाते हो मगर जब राज खुलते हैं ना तब आपको वो पछतावा होता है। तो इसी तरह इस वीडियो में हुआ और पूरे का पूरा ख़ानदान दूसरे ख़ानदान से प्यार में मुबतला और एक दूसरे के साथ क्या यूनाइटेड थे यार। और यार कमाल का टॉपिक था यार कसम से, मुझे तो वो वाला सीन अच्छा लगा था जब कहता है कि पिंक मुझे बहुत अच्छा लगता है, पार्टी में पहन के आना और मैं आपको हक करूँगा। यार बंदा था ये। और केडी और कंड दोनों जब करेक्टर में थे, बाप बेटा दारू पीना शुरू की तो राज खुलना शुरू हुए बेटे के, तो बाप का दिल कर रहा था कि उसकी पिटाई करो खूब, मगर वो चिल माहौल जो था ना वो उसको रोक रहा था क्योंकि उसने जनरेशन गैप जो है वो ख़त्म करना था, वो सब कुछ भूल गया। और उसके बाद जो सबसे ज़बरदस्त सीन था मुझे लगा जब इन्होंने कॉल की अपनी गर्लफ्रेंड्स को अपने घर बुलवाया, तो मैं यही समझा था कि उसने अपनी वाइफ को कॉल की है और बेटे को एक्सपोज करेगा और खूब क्लास लेंगे उसकी। मगर जब वो आई तो पता चला कि वो जो लड़की है उसकी माँ है। यार मैं इस वीडियो में ना कुछ भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे कि ये वीडियो किस तरफ जाएगी। और जब उसका नेबर है जो उसका हस्बैंड उसकी वाइफ के साथ, तो ये भी ज़बरदस्त था। और सबसे जो ज़बरदस्त था ना वो जो उसकी ग्रैंडमा थी वो उसके बेटे के साथ, तो क्या कमाल के दो ख़ानदान थे, दोनों ने किसी को बाहर नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये रहेगा हमारे दरमियान और हम ये वाला फल हम खाएंगे, किसी और को खाने नहीं देंगे। तो मैं यही सोच रहा था कि यार अगर रियल लाइफ में ऐसा हो जाए तो ये ख़ानदान ही कत्ल हो जाए यार, ये पता नहीं क्या क्या कर दें लोग। मगर ये वीडियो तक ही रखना भाई, ये बस हंसी मजाक ही था, मुझे भी नहीं पता था कि इस तरह की वीडियो होने वाली है।
और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी यार, हंसी बहुत ज़्यादा आई। सो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।